हेलो भाई, मैं हूँ सोनू कुमार। और आज की डेट में हम अगर देखें तो 7 सीटर गाड़ियां बहुत सारी अभी मार्केट में अवेलेबल है। XL6 हो गई, ईटिगा हो गई, और किया की कैरेंस भी हो गई, और बहुत सारी गाड़ियां हैं। बट उससे भी कम प्राइस रेंज में और प्रैक्टिकल जो गाड़ी देखेंगे हमारे सामने जो गाड़ी है, आज मैं आया हूँ रेनॉल्ट की शोरूम में, धनबाद साइड में है ये, बरोडा साइड में। आपको फुल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हमारे सामने खड़ी है ड्राइवर, जो फुल प्रैक्टिकल गाड़ी है। चलिए हम इस गाड़ी को थोड़ा लुक वाइज देख लेते हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट में मिलेगी स्किड प्लेट, और फ्रंट में आपको क्रोम ट्रीटमेंट के साथ ग्रिल्स भी मिल जाएगी। यहीं हम हेडलाइट्स की बात करें तो आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलेंगी, जिसमें हैलोजन सिंपल बल्ब के साथ आती है। नीचे आपको वहीं पे मिल जाएगा बॉडी एरल्स। इस साइड गाड़ी की लुक कुछ ऐसी है। इसमें टोटल 4 वेरियंट आते हैं। आप जो देख रहे हैं हमारे सामने जो खड़ी है वो RXZ टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट खड़ी है। ये जो आप देख रहे हो अलॉय वाली लुक वाली जो स्टाइलिश रिम है, आपको सिंपल ब्लैक रिम मिलेंगे, और व्हील कैप जो है इसमें अवेलेबल हो जाती है, गाड़ी साथ में देती है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ 185, 65 और 15 के टायर्स मिल जाते हैं। वहीं हम पीछे ध्यान दें तो पीछे से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। गाड़ी सब 4 मीटर के अंदर ही आती है। यहाँ पे आपको रेनॉल्ट की बेजिंग मिल जाएगी, कुछ ऐसी शेप में आपको टेल लैंप्स मिल जाते हैं जो कि सिंपल हैलोजन बल्ब के साथ आती है। यहाँ पे आपको पीछे डिफोगर, वाइपर और वॉशर तीनों का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। स्पॉइलर भी गाड़ी में आपको लगी हुई मिलती है। और नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैमरा भी इस वेरिएंट में अवेलेबल हो जाता है, जो टॉप वेरिएंट है। यहाँ पे आपको 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेंगे, रिफ्लेक्टर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इस साइड से हम देखें गाड़ी तो गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। इसमें आपको ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर तीनों आपको ब्लैक फिनिश में मिल जाएंगे, और जो लास्ट में थोड़ी सी बचती है वो थोड़ी सी बॉडी कलर में आपको व्हाइट टोन में मिल जाती है। ये हमारी डुअल टोन गाड़ी है। जो डुअल टोन है वो प्राइसिंग आपको 20,000 तक कुछ एक्स्ट्रा पड़ेगी नॉर्मल से। यहाँ पे आपको रूफ रिल्स भी इसमें गाड़ी में आपको फंक्शनल दी जाती है, जो 50 kg की लोड आराम से ले सकती है। अब हम थोड़ा गाड़ी के इंटीरियर को देख लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ चाबी देख लेते हैं इसकी, कि इसकी ऐसी कुछ मिलती है जो अभी तक की सारी रेनॉल्ट की गाड़ियों में आती है। इसमें 4 बटन मिलेंगे टोटल, और हम गाड़ी को एंटर करके देख लेते हैं। गाड़ी के इंटीरियर को देखेंगे तो आपको इसमें डुअल टोन का इंटीरियर मिल जाएगा, जो कि है ब्लैक एंड बीच टोन में, जो हार्ड प्लास्टिक पूरा यूज मिलेगा। कहीं भी आप फैब्रिक का यूज बहुत कम ही देखने को मिलेगा। वहीं हम ड्राइवर साइड की सीट की बात कर ले तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो कि ये टॉप वेरियंट है। आपको रिक्लाइनिंग और आगे पीछे करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब हम गाड़ी के अंदर चलते हैं तो यहाँ आप देखोगे तो इसमें आपको पुश स्टार्ट स्टॉप इंजन बटन भी मिल जाता है, और इसमें आपको चाबी लगाने का कोई जरूरत नहीं मिलता। वहीं हम डैशबोर्ड को देखेंगे तो डैशबोर्ड जो है उसकी सरफेस जो है वो पूरी फ्लैट दिखेगी आपको। विजिबिलिटी भी काफी अच्छी आ रही है इसकी वजह से। एक चीज जो और मुझे कमी लगी, यहाँ पे आपको ऑटो फोल्डेबल ORVM नहीं मिलेंगे। फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए आपको हाथ ही यूज करना होगा, बाकी आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो ORVM को। यहाँ पे आपको 4 पावर विंडो मिल जाते हैं, और नीचे कुछ बोतल स्पेस रखने का, और ये है हमारी लॉक अनलॉक करने के लिए। इधर आपको AC वेंट्स दिखने को मिल जाएंगे, जो सिल्वर टच के साथ जो लाइनिंग चल रही है वो काफी अच्छी लग रही है। वहीं हम इधर देख लेते हैं तो इधर से हम देखेंगे तो ये है आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल ORVM और केबिन लैंप, और इस साइड आप देखेंगे तो वैनिटी मिरर के साथ क्वालिटी अच्छी खासी दिख रही है। लोअर ग्लव बॉक्स इसमें आपको कूल्ड मिलता है, जो आप ठंड वगैरह रखने का यूज कर सकते हो। ऊपर में भी आपको एक ग्लव बॉक्स मिलती है, जो कि स्पेस की कोई कमी नहीं गाड़ी में। इसमें आप नॉर्मल पेपर वगैरह रखने का यूज कर सकते हो। इधर हम देख ले तो यहाँ पे आपको ऑक्स USB दोनों का ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है, और यहाँ पे कुछ फोन वगैरह रखने का स्पेस। यहाँ पे आपको कूल्ड स्पेस मिल जाती है, जो कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख सकते हो, और यहाँ आपको ब्लोअर का स्पीड जो रेयर सीट के लिए है। और इसमें बात करें तो आपको मैनुअल 5-स्पीड गियरबॉक्स आती है, और RXZ वेरिएंट में आपको AMT भी मिल जाएगी, जो आप ले सकते हो। सीट में आपको नॉर्मल फैब्रिक का यूज मिलेगा, इसमें सीट कवर आप ऊपर से लगवा सकते हैं लेदर वाली। तो ऐसी कुछ दिखती है इसकी डैशबोर्ड एरिया। और अब हम देख लेते हैं सेकेंड रो पे चल के, सेकेंड रो की कम्फर्टेबिलिटी भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ मैं एक चीज बताना भूल गया स्टेयरिंग के बारे में। तो स्टेयरिंग में आपको टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं मिलता, बिल्ट करके एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ हम देख लेते हैं तो डी कट भी मिल जाती है, डी कट स्टेयरिंग भी आपको ऑफर की जाती है इस गाड़ी में। यहाँ पे आपको ऑडियो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, और इस साइड आपको फोन वगैरह उठाने और कट करने का ऑप्शन। किसी भी वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करके देख लेता हूँ, जो मैंने देखा वो आपको भी दिखा देता हूँ। वो ये जो स्टेयरिंग में आप वाइब्रेशन देख रहे हो वो मैंने भी फील किया। वो स्टेयरिंग में वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा आती है, बट वो बात अलग है कि थोड़ी देर में आपको वाइब्रेशन ना के बराबर मिलेगी स्टेयरिंग पे। बट ये अच्छी नहीं लगती कि स्टार्टिंग में ही आपको इतने जोर से झटके मारते हैं स्टेयरिंग कि आपको बॉडी में पूरा वाइब्रेशन फील होने लगता है। वहीं हम आप थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ RPM लेके, तो ये देखिए आप
थोड़ी सी वाइब्रेशन आपको स्टेयरिंग में देखने को मिलेगी, धीरे धीरे ये शांत हो जाता है। अब हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर ध्यान डालें, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर जो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको RPM मीटर जो डिजिटल मिलती है और स्पीड भी आपको डिजिटल मिलेगी, रियल टाइम माइलेज और एवरेज और बाकी जो टेम्परेचर है सब यहीं पे दिख जाएगा आपको। इस प्राइस रेंज में आपको और कोई भी गाड़ी ऐसी देखने को नहीं मिलेगी जिसमें इतनी फीचर्स और स्पेस वगैरह हो। अब हम सेकेंड रो की देख लेते हैं, तो सेकेंड रो की कम्फर्टनेस को भी चेक करेंगे। गाड़ी में आपको कहीं भी रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, वो प्राइस रेंज के हिसाब से भी गाड़ी अच्छी खासी है। बाकी ये डोर पैनल सेकेंड रो की वो काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी है, नीचे आपको एक स्पीकर मिल जाएगा। गाड़ी में आपको 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स भी मिल जाते हैं। वहीं हम अंदर देख लेते हैं, तो थर्ड रो की जो सीट है वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी छोटी लग रही है। अच्छी बात ये है कि आपको ये जो सेकेंड रो की सीट जो मिल रही है वो बहुत ही ज़्यादा फैब्रिक और एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी इसमें मिलेंगे। वहीं हम इंटर करके देख लेते हैं, तो लेग रूम जो है वो भी काफ़ी अच्छी बढ़िया लग रही है और स्पेस भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, जो पीछे आप थर्ड आदमी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट हेडरेस्ट नहीं मिलेगी, बट ये जो हेडरेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल ज़रूर मिल जाता है। वहीं हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए सॉकेट वगैरह दिया गया है और एसी वेंट यहाँ देखने को नहीं मिलके यहाँ पे आपको पिलर में मिलेगी एसी वेंट्स, जो कि अच्छी प्लेसमेंट है, डायरेक्ट बॉडी पे ही जो हवा आती है वो लग जाती है। इधर हम देखेंगे यहाँ पे भी आपको स्पीकर मिल जाएगा और ये ओपनर, और इधर आपको पावर विंडो जो आपको सारी विंडोज़ में मिल रही है, और ये आपकी जो पुरानी जो पहले की ओल्टो में आती थी वो ही दे रही है, तो इनकी अपनी मर्जी है, वो क्रॉस कटिंग इसी में हो रहा है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे और रीडिंग लैंप भी आपको हैलोजन में मिल जाएगा, जो कि सेकेंड रो में दिया हुआ है। और ऐसी कुछ दिखती है हमारी आगे की डैशबोर्ड एरिया। सेकेंड रो की सीट की बात करें तो इसमें आपको 4-way एडजस्टेबल सीट्स मिलते हैं, जो कि आप रिक्लाइन कर सकते हो और यहाँ से आप आगे पीछे भी घसका सकते हो इस सीट को। बाकी आपको 60-40 स्प्लिट सीट व्हील वाली फीचर भी इसमें आपको मिल जाती है सेकेंड रो में, अगर आपको यूज़ नहीं करना तो आपको अप डाउन कर सकते हो आराम से। और यहाँ से हम देख लेते हैं, वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया था कि थोड़ी सी जो सीट है वो तो मुझे थर्ड रो वाली छोटी लगी, और लेग रूम देख लो आप, इतनी कुछ मेरी लेग रूम बच रही है, वो मैंने थोड़े से आगे कर लिए सीट को, और आप वहां से भी आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो इस सीट को। ये लेने वाले थे ना। और ये कुछ हमारी ऐसी फ्रंट रो दिखती है, और थर्ड रो में भी आपको एसी वेंट सुपर प्लेस किए हुए मिल जाएंगे, जो कि अच्छी खासी प्लेसिंग है इसकी। और इधर आप इस साइड से ऐसे करके इसको फोल्ड भी कर सकते हो सीट को। अब मैं बाहर निकल लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है उतरने में, वैसे तो जनरली सारे 7-सीटर में आपको थोड़ी सी परेशानी करनी पड़ती है, बट मैं बात करूँ इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस की तो आपको 182 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है, 200 mm तक का नहीं मिलता, तो उससे जो आपको उतरने में थोड़ी सी कम परेशानी होगी। बाहर से कुछ ऐसी लुक दिखती है आपको गाड़ी की। अब हम इसकी बूट कैपेसिटी को देख लेते हैं, तो जनरली 7-सीटर गाड़ियों में आपको बूट कैपेसिटी थोड़ी कम ही देखने को मिलती है, तो इसमें आपको ड्राइवर में मिलेगी 84 लीटर की बूट कैपेसिटी, और यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील भी देखने को नहीं मिलेगा। स्पेयर व्हील मैं आपको नीचे लटका हुआ दिखा दूंगा। और ये जो हमारी जो थर्ड रो है उसको भी आप सीट को जो है रिक्लाइन करके एडजस्ट कर सकते हो। और एक और अच्छी फीचर्स जो मैं बात करूँ तो इसमें आपको 50-50 स्प्लिट सीट भी मिलती है थर्ड रो वाली, उसको आप आराम से फोल्ड कर सकते हो और अपनी बूट कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। तो फोल्ड करने के बाद जो आपको 625 लीटर की बूट कैपेसिटी मिल जाएगी, और इसको खोल के रख भी सकते हो अपने घर में। और जनरली वैसे तो 5-सीटर की ही यूज़ होती है 7-सीटर वाली गाड़ियाँ, कभी कभी ओकेजनली ही यूज़ होती है जो 7-सीटर गाड़ी की असली यूज़ जो होती है। बाकी आप यहाँ पे आपको कहीं भी ग्रैब हैंडल्स देखने को नहीं मिलेगा, और यहीं पे आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा, और बैकलाइट भी आपको यहीं पे दो मिल जाएंगे जो अच्छी खासी विजिबिलिटी दे देती है। बाकी ऐसी कुछ दिखती है इसकी टेल लाइट्स। ड्राइवर में आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलती है, 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करती है 71 bhp और 96 Nm टॉर्क, जो कहीं ना कहीं आपको लैग थोड़ा सा लगेगा। गाड़ी की प्राइसिंग की बात करें तो 9.39 लाख ऑन रोड पड़ेगी आपको।